नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिले के उजियारपुर थाना अंतर्गत उजियारपुर बाजार में अज्ञात चोरों ने उजियारपुर थाना अध्यक्ष को चुनौती देते हुए दुकान का छत तोड़कर सनी सुधा कॉर्नर से फास्ट फूड नामक दुकान से हजारों रुपए नकदी सहित हजारों रुपए मूल्य का मिठाई चोरी कर लिया तथा गायब हो गए। घटना की जानकारी दुकान मालिक को उस वक्त हुई जब वे शनिवार 21 सितंबर की पहले सुबह करीब 6 बजे दुकान खोलने उजियारपुर बाजार स्थित अपने दुकान पर पहुंचे, जिसके बाद दुकानदार ने इसकी सूचना उजियारपुर पुलिस को दिया। सूचना मिलने के बाद उजियारपुर थाना अध्यक्ष औपचारिकता पूरी करते हुए घटनास्थल पर पहुंच घटनास्थल की तस्वीर लेकर वह पीड़ित दुकानदार से पूछताछ कर वापस थाना लौट गए। इस घटना से संबंधित आवेदन भी पीड़ित दुकानदार ने उजियारपुर थाना को उपलब्ध करा दिया है। उजियारपुर थाना को दिए आवेदन में पीड़ित दुकानदार ने बताया है कि उजियारपुर बाजार में उनका सनी सुधा काउंटर एंड फास्ट फूड नाम का दुकान है, जहां से वे रोजाना की तरह ही शुक्रवार 20 सितंबर की रात्रि करीब 9:30 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। शनिवार 21 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दुकान में रखा सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ था और दुकान की छत का करकट टूटा हुआ था। जब उन्होंने दुकान में रखा फ्रिज को खोलकर देखा तो उसमें रखा आधा किलो व 1 किलो का पैकेट वाला गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लस्सी, सुधा का दूध, कोल्ड ड्रिंक एवं अन्य खाने पीने का सामान सहित दुकान के गले में रखा करीब 4,000 नकद रुपए गायब था। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोरों ने उनके दुकान से करीब 8,000 रुपए का सामान तथा 4,000 रुपए नकदी लेकर गायब हो गए। आपको बता दें कि जब से उजियारपुर थाना का कमान पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार ने संभाला है, तब से उजियारपुर थाना क्षेत्र में चोर, लुटेरे, शराब धंधेबाज सहित अन्य आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले का एक छत्रुराज कायम हो गया है। थाना क्षेत्र में एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता है जिस दिन चोरी, लूट, छिनतई की घटना न होती हो। हालांकि यह अलग बात है कि ज्यादातर पीड़ित को थानेदार द्वारा थाना पर बिना आवेदन लिए भगा भी दिया जाता है, लेकिन अब नए पुलिस कप्तान के पदभार संभालने के बाद इस तरह के कृत्यों पर लगाम लगना लाजमी है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कल रात को 9:30 बजे रात को दुकान बंद करके घर चले गए। तो सुबह दुकान क्या है, ताला खोले तो देखे ऊपर का करकट टूटा हुआ है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, गल्ला भी 1 रुपए नहीं था, गल्ला के सारा सामान बाहर बिखरा हुआ था। कितना पैसा हुआ है चोरी? 4,045 के आसपास कैश था गल्ले में, कुछ ठंडा का आइटम था, मिठाई था, वो 4,045 के आसपास कैश था गल्ले में, कुछ ठंडा का आइटम था, मिठाई था, वो सब मतलब 12,000-14,000 रुपए के आसपास कर लो। थाना को सूचना दिए थे? हाँ, थाना को सूचना दिए हैं, स्थानीय लोगों को भी बताए हैं, वहाँ फिर गए थाना पे, थाना में दे दिए आवेदन, आए थे बड़ा बाबू यहाँ पे, बात देख के गए हैं।